नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। प्यार और शादी के नाम पर कट्टरपंथियों ने समाज को बर्बाद करने की ठान ली है। लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं और मासूम लड़कियों को इसका शिकार बनाया जा रहा है। आलम यह है कि इसी लव जिहाद के जरिए कट्टरपंथी समाज को काफी हद तक दूषित कर चुके हैं। न सिर्फ लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है, बल्कि उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है। इसके मामले लगातार सामने आ रहे हैं। फिलहाल खबर है मध्य प्रदेश से, जहां कॉलेज की छात्रा घर वापस नहीं आई। मध्य प्रदेश के दामोह में लव जिहाद का एक मामला सामने आया। कोतवाली थाना क्षेत्र की एक महिला ने आरोप लगाया कि मोहल्ले का ही एक मुस्लिम लड़का उनकी बेटी को झांसे में लेकर फरार हो गया। महिला ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी घर से 3 लाख रुपए भी लेकर गई है। घटना की जानकारी होने पर लोगों ने घंटा घर पर जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की गई। छात्रा के परिवार वालों का कहना है कि बेटी घर से कॉलेज के लिए निकली, लेकिन वापस नहीं आई। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी लव जिहाद का शिकार हुई है। इस घटना के बाद वो लोग काफी डरे सहमे हुए हैं। परिवार वालों ने यह भी कहा कि उनकी बेटी को पास का ही समुदाय विशेष का युवक अपने साथ ले गया है, उसी ने उसे बहलाया फुसलाया है। उन्होंने कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली, लेकिन अभी तक आरोपित को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। परिवार के लोगों ने करीब 2 घंटे तक थाने में आरोपित को पकड़ने की मांग की और विरोध प्रदर्शन किया। सबसे बड़ी बात कि इस मामले को लेकर बजरंग दल से लेकर तमाम संगठनों ने प्रदर्शन भी किया और महिलाओं ने भी प्रदर्शन किया है। अब देखना होगा इस मामले को लेकर पुलिस के हाथ कब कुछ लग पाता है। इस मामले को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट कर में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।